ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ذلالة وكل ذلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقران المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب ايذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله फ़कद फ़ा दफ़ाउद नज़ीमा हर तरह की तारीफ अल्लाह रब्लम के लिए लायक और जेबा है और सलाम नाजिल हूँ अल्लाह के तमाम नबियों पर खूस आख़री नबी हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहतरम हाजरी अल्लाह ताला ने तब को पैदा किया और हिदायत के लिए बहुत सारे नबियों रसूलों पैगंबरों को भेजा उन्होंने हमें ये बताया कि कौन सा काम हमें करना है और कौन सा काम नहीं करना है हर मुसलमान के लिए ये जानना ज़रूरी है कि उसे क्या करना है और ये भी जानना ज़रूरी है कि किन चीज़ों से बचना है आम तौर पर हमारी जो गुफ्तु होती है वो उन अनावीन पर होती है जो करना है जिन कामों से बचना है उस पर गुफगु कम होती है इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि ऐसी ऐसे कामों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊं, जिनसे बचना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है और वो काम हमारे लिए दुनिया और आख़रत में तबाही का सबब बन सकते हैं तो जिन कामों से बचना ज़रूरी है उनकी फहरिस्त बहुत ज़्यादा है लेकिन आज के खुतबे में दो तीन बातों पर अपनी बातें ख़त्म करूँगा वो काम जिससे हमको बचना ज़रूरी है सबसे पहले शिरक है कोई इंसान कितना भी नेक काम कर ले लेकिन अपने आप को अगर शिरक से नहीं बचाया है तो उसके सारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे दुनिया में जितने गुनाह पाए जाते हैं उन गुनाहों में सबसे अजीम और सबसे संगीन अगर कोई गुनाह है तो वो शिरक है इसीलिए हजरत लकमान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए फ़रमाया था या बुनैया ला त्रक बिल्ल इन न शर्क लदन अरे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना इसलिए कि शिरक अजीम है शिरक सबसे बड़ा जुल्म है दुनिया में कोई भी गुनाह शिरक से बड़ा नहीं है इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन अल्लाह यग बिही व यग़फ़िरु मा मादो नजाली लिमन यशा अल्लाह तबारक व तआला इस बात को माफ़ नहीं करेगा कि उसके साथ किसी को शरीक किया जाए वय फिर मादो अजाल का लिमैशा और शर् के अलावा जो गुनाह हैं अल्लाह चाहे तो माफ़ कर सकता है वमैशरक बिल्लाक फ़िर ईशर का बिही वक फ़िर मादो नजाल का लिमैशा वमयुशरक बिल्ला फ़कत जलम बीदा जो शख्स अल्लाह के साथ किसी को शर्क करता है तो वो दूर की गुमराही में चला गया यानी इससे बड़ी गुमराही और नहीं हो सकती है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया जाए ये सुर निसा की आयत है तो मालूम यह हुआ कि शिरक नाकाबिल मा, ना माफी गुनाह है अगर मुशरिक ने मरने से पहले तोबा नहीं किया तो वो जन्नत में नहीं जा सकता शर्क के अलावा जितने गुनाह हैं अगर अल्लाह चाहे तो माफ़ कर दे और चाहे तो सज़ा देने के बाद फिर जन्नत में दाखिल करे लेकिन मुशरक ने मरने से पहले तोबा नहीं किया तो वो जन्नत में नहीं जा सकता है अल्लाह तबार को तला ने फरमाया फिल्न मायदा की आयत है जो शख्स अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता है अल्लाह ताला ने उसके लिए जन्नत को हराम करार दिया है मुशरक जन्नत में नहीं जा सकता ये मैं नहीं कह रहा हूँ अल्लाह का कलाम कह रहा है जो शख्स भी शिरक करते हुए मरेगा वो जन्नत में नहीं जा सकता है वह माहार उसका ठिकाना जहन्नम है यानी मुशरिक जहन्नम में जाएगा तो सबसे पहले हमें जिस गुनाह से बचना है इजतनाफ करना है वो शिरक है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह तबारक यही फरमाया कि अय नबी आप अपने आप को श्रक से बचाएं आप नबी हैं आप पैगंबर हैं आप तमाम नबियों के इमाम हैं आप पूरी इंसानियत के सरदार हैं लेकिन अगर आप भी शिर्क करेंगे तो अल्लाह आपके भी तमाम नेकियों को बर्बाद कर देगा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के इमाम हैं आपसे अफजल कोई इस ज़मीन पर पैदा नहीं हुआ है लेकिन अल्लाह ने फ़रमाया वलिया का आपकी जानिब ये वही भेजी गई है व इलादीन बिन क़बली का और आपसे पहले जो नबी रसूल पैगंबर आए उन तक भी यही यही वही भेजी गई लिन अशरकता लयहबतन बतालुख अगर आप शर्क करेंगे तो आपके अमल बर्बाद हो जाएंगे अल्लाह ने नबी से कहा कि अगर आप शिर करेंगे तो आपके भी अमल बर्बाद हो जाएँ हम आपको भी फरमाते हैं और आपसे पहले जो नबी रसूल पैगंबर आए उनको भी हमने यही कह दिया था कि आप अगर गुनाह करेंगे अगर आप शिरक करेंगे तो ये शिरक इतना संगीन गुनाह है कि अल्लाह आपकी नेकियों को बर्बाद कर देगा वल तक खासरीन और आप घाटा पाने वालों में से हो जाएंगे खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे तो इस तरीके से सुर जुमर की आयत है अल्लाह तबारक तुरान में कई नबियों का तस्करा किया उजम पैगम्बरों का तस्करा किया और उन तमाम नबियों का तस्करा करने के बाद अल्लाह ने फरमाया वरकू लम्मा का नू या मलोन अगर ये तमाम के तमाम नबी जो बड़े बड़े नबी हैं बड़े बड़े पैगंबर हैं वलऊ अशरकु इन्होंने भी अगर शिरक किया होता लहबिता लहबान माकानू या मलोन तो अल्लाह तबार व तआला इनके तमाम आमाल को बर्बाद कर देता सुरान की आयत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मम्मा यु शरिक बिल्ला जो शख्स इस हाल में मरा कि अल्लाह के साथ शरीक करता था दखल नार वो जहन्नम में जाएगा तो सबसे पहले हमें अपने आप को जिस गुनाह से बचाना है वो कौन सा गुनाह है शिरक है शिरक से बड़ा कोई गुनाह दुनिया में नहीं है लेकिन हम देखते हैं कि हमारे दरमियान शिरक के मज़ाहिर हैं मैं आपको ये बात बता दूं कि ये बातें सिर्फ अहले हदीस वलमा ही बता सकते हैं दूसरा कोई आलिम नहीं बताएगा इसलिए कि जो दूसरे मसालिक हैं उनके यहाँ किसी न किसी तरीके से शिरक मौजूद है शर्क पर वो गुफ्तु नहीं कर सकते हैं या अगर शिरक पर गुफ्तगु करेंगे तो सिर्फ मोटी मोटी बातें करेंगे एक्सप्लेन करके उसकी तफसील नहीं बयान करेंगे हमारे दरमियान जो शिरक के तरीके रज हैं जो मज़ाहिर हैं वो मैं आपको बताऊं बहुत सारे लोग को सजदा करते हैं गैरुल्लाह को सजदा करना हराम है वो किसी भी शक्ल में हो जिंदा हो या मुर्दा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी और को सजदा करना जायज़ होता अल्लाह के अलावा तो मैं बीवी को हुक्म देता कि अपने शौहर को सजदा करे लेकिन अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करना जायज़ नहीं है हम गैरों की बात नहीं करते हैं मुसलमानों का एक बड़ा तबका है जो गैर अल्लाह को सजदा करता है जिंदों को भी करता है मुर्दों को भी करता है ये शिरक है अगर हमारी मस्जिद में कोई शख्स बैठा है मर्द हो या औरत जिसने गैरुल्ला को सजदा किया है तो उसको चाहिए कि वो तोबा कर ले क्योंकि मुशरिक के ऊपर जन्नत हराम है गैरुल्लाह को सजदा करना हराम है इसी तरीके से बहुत सारे लोग के सामने चाहे वो ज़िंदा हो या मुर्दा उसकी ताज़ीम करते हुए खड़े हो जाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है किसी की ताज़ीम में सफ़ बस्ता खड़े होना हाथ बांध कर खड़े होना उसकी ताजीम में खड़े होना यह हराम है अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया जो शख्स इस बात को पसंद करता है कि लोग उसके सामने बुत बने खड़े रहें वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले आज हमारे कितने मुसलमान हैं जो गैरुल्लाह के दर पर हाजिरी देते हैं और ठीक उसी तरीके से खड़े होते हैं जैसे अल्लाह के सामने नमाज में खड़े होते हैं अल्लाह ने फरमाया वो ला ही अल्लाह के लिए कानितीन। यानी यकसू हो करके सिर्फ़ अल्लाह के सामने खड़ा हुआ करो किसी और के सामने अजमत के तौर पर खड़े होना उसकी ताज़ीम करते हुए खड़ा होना ये हराम है बहुत सारे लोग जिंदा और मुर्दा के सामने ऐसी हरकतें करते हैं इसी तरीके से गैरुल्लाह से मदद मांगना मुसलमानों का एक बड़ा तबका है जो गैरुल्लाह से मदद मांगता है और उन बुज़ुर्गों को याद करता है जो दुनिया से चले गए हैं कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो मरने के बाद आपकी मदद कर सकता है मरे हुए लोगों से मदद मांगना, उनके नाम को पुकारना मुसीबतों परेशानियों में उनको मदद के लिए पुकारना बुका, ये हराम है ये शिरक है इसी तरीके से बाज़ लोग गैरुल्लाह के नाम पर नजरों नियाज करते हैं आज फलाँ के नाम का लंगर तकसीम हो रहा है आज फ़लाँ के नाम पर बकरा जबा किया जा रहा है आज फ़लाँ के न्याज की तकसीम है ये सारी चीज़ें शिरक हैं अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर जानवर जबह करना हराम है अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर लंगर तकसीम करना हराम है अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर कुर्बानी करना जानवर का जबीहा पेश करना हराम है मुसलमानों का एक बड़ा तबका है जो गैरुल्लाह के नाम पर ज़बिया पेश करता है अपने बुजुर्गों के नाम पर लंगर तकसीम करता है ये सारी चीज़ें हराम हैं इसी तरीके से मुसलमानों में एक बहुत बड़ा मसला है तावीज़ लटकाना हमारी मस्जिदों में भी बहुत सारे लोग आते हैं गले में तावीज़, हाथ में तावीज़, कमर में तावीज़, तावीज़ लटकाना हराम है शिरक है हमारे नबी ने फरमाया मन तमी मतन फ़कद अशरक जिसने तावीज़ को लटकाया उसने शिरक किया कितने मुसलमान ऐसे हैं पैर में काला धागा गले में काला धागा बच्चों के पैर में काला धागा दफ़े बलियात से बचने के लिए नज़र बद बच से बचने के लिए ये तरीक़ा इस्तेमाल करते हैं ये शिरक है अल्लाह तबार को ताल अगर आपको मुबतला करना चाहे तो ये तावीज़ और ये धागा आपको नहीं बचा सकता है और अगर अल्लाह तबारक वाली ना चाहे तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह का ये तरीक़ा नहीं इख्तियार किया है और आपने सहाबा को इससे मना किया है इसी तरीके से बहुत सारे लोग किसी को हाजत रवा मुश्किल कुशा समझते हैं ना अल्लाह के अलावा कोई हाजत रवा है ना अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा है, है इब्राहीम कहते थे वईज़ा मरीज तो फहुआ यशफीन जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो मेरा रब मुझे शिफा देता हकीम से दवा लेना डॉक्टर से दवा लेना यह जायज़ है लेकिन उस दवा के अंदर असर कौन पैदा करता है अल्लाह पैदा करता है न कोई हाजत रवा है न कोई मुश्किल कुशा है मुसलमान कितने लोगों को हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझ बैठे हैं इसी तरीके से शिर के मज़ाहिर जो हमारे दरमियान पाए जाते हैं उसमें से एक ये है कि बहुत सारे मुसलमान अपने घरों में कोई तोहरा लगा लेते हैं या इसी तरीके से घोड़े के नाल वगैरह ठोंक लेते हैं बहुत सारे मुसलमान घरों में मैं देखता हूँ लोग फिटकरी लटकाए हुए हैं क्या ये फिटकरी आपको नजर बस से बचा सकती है बहुत सारे लोग अपने गाड़ियों में आ, काले काली रस्सियां बांध लेते हैं ये ये काली रस्सी ये काला धागा ये फिटकरी ये जूते ये चप्पल ये आपको अजाब से बचा लेंगे गैरों के बीच में रहते रहते हमारा अकीदा कितना बिगड़ गया है हमें हमें एहसास भी नहीं होता है कि, कि हम कहाँ चले जा रहे हैं अब्दुल्ला अबिन मसूद रजी अल्लाह तला अपने घर में गए देखा कि उनकी बीवी एक तावीज़ पहने हुए है तो कहा कि ये तुमने क्या पहन रखा है तो कहा मेरे आँखों में चुभन हो रही थी जिसलिए जिसकी वजह से मैंने ये तावीज़ पहन लिया है जब से मैंने ये तावीज़ पहना है मुझे बहुत राहत महसूस हो रही है इब्ने मसूद रजी अल्लाह तु ने वो तावीज़ काट कर फेंक दिया कहा अल्लाह की बंदी वो शैतान था जो तेरे आँखों में कचोके लगा रहा था और जब तुमने अल्लाह के साथ शिर्क किया तावीज़ पहन लिया तो शैतान ने तेरे आँखों में कचोके लगाना बंद कर दिया आज हमारे बहुत सारे लोग सोचते हैं तावीज पहनने से राहत मिल जाती है शैतान तुम्हारा पीछा छोड़ देता है इसलिए कि शिरक करवा दिया है और शैतान की सबसे बड़ी कोशिश यह होती है कि इंसान से शिरक करवा दे ताकि उसको जन्नत से महरूम कर दे मेरे भाइयों जान चली जाए अल्लाह की अमानत है मरना है लेकिन शिरक का रास्ता ना अपनाएं ये शर्क के चंद नमूने हैं जो हमारे दरमियान पाए जाते हैं अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक हमें ऐसे शर्किया कामों से महफूज रखे दूसरी चीज़ जिससे हमें बचना ज़रूरी है बिदात व खुराफात आज दीन के नाम पर लोग कैसी कैसी बिदातें करते हैं आज दीन के नाम पर लोग कैसे कैसे कैसी कैसी, कैसी चीज़ें ईजाद किए हुए हैं जबकि आज से 1400 साल पहले अल्लाह तबारक ताली ने दीन को मुकम्मल कर दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात के मैदान में हैं आप खुतबा दे रहे हैं कुरान मजीद की वो मशहूर आयत अम अकमल तो लकुम दीन व अतमम तो अल कुम नमती व रज़ी तो लकुमल इस्लाम दीना ये मशहूर आयत उतरी आज के दिन हमने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है और तुम्हारे ऊपर अपनी नेमत को मुकम्मल कर दिया है और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया है आज से चौदह सौ साल पहले दीन मुकम्मल हो चुका है अब इसमें से कोई चीज़ निकाली नहीं जा सकती है इसमें कोई चीज़ डाली नहीं जा सकती है अगर कोई शख्स विदात कर रहा है दीन में कोई नई चीज़ दाखिल कर रहा है तो उसको मालूम होना चाहिए कि उसका अकीदा यह है कि दिन मुकम्मल नहीं था दिन मुकम्मल नहीं था है तो उमर बिन ख़ाब रज़ी अल्लाह से किसी ने कहा कि तुम्हारे कुरान में एक ऐसी आयत है अगर वो आयत हमारे यहाँ उतरी होती तो हम उसको जश्न का दिन मनाते कहा वो कौन सी आयत है मुझे मालूम है वो कुरान मजीद की यही आयत है अल्यूमाकमल तो लकम्दीन आत्म तोम नती वी तो लकुम उस्लाम दीना मुझे मालूम है अरफ़ा का दिन था अल्लाह के नबी ससरम मैदान अरफात में थे और आप खुतबा दे रहे थे ऑलरेडी वो हमारे लिए ईद का दिन है मेरे भाइयों तो इस तरीके से दीन मुकम्मल हो चुका है दीन में कोई चीज़ ऐड नहीं किया जा सकता है, है तो इरबाज़ इबन सारिया रज़ी अल्लाह तहुओं की मशहूर हदीस कहते हैं प्यारे नबी ने हमको नमाज़ पढ़ाई नमाज के बाद वाजो नसीहत किया वाज़ो नसीहत इतना बलीग था कि लोगों के दिलों में उतर गया लोगों की आंखों से आंसू जारी हो गए लोग हिचकियाँ लेने लगे ऐसा महसूस हो रहा था कि इमाम कायनत अब हमसे रोख्सत होने वाले हैं इरबाज़ इबन सारिया अल्लाह तला कहते हैं अल्लाह के रसूल ऐसा लग रहा है कि आप अलविदाई खुतबा दे रहे हैं आपने इतना बली खुतबा दिया है प्यारे नबी ने फरमाया मैया इश्मन कुम बदी फसरा अख्तिलान कफ़ीरा तुम में से जो शख्स जिंदा रहेगा वो देखेगा कि इख्तलाफ़ात बहुत रूनुमा हो जाएंगे दीन के नाम पर लोग इख्लाफात करेंगे मैया इश्मिन कुंभ बदी फ़स रा अख्तला कफ़ीरा बहुत ज्यादा इख्तलाफ़ पाए जाओगे फाल कुम्ब सुन्नति व सन्नतलफ़ा राशदीन अलमहदीन तो तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि हमारी सुन्नत को मजबूती से पकड़ लेना खलफा राशद की सुन्नतों को मजबूती के साथ पकड़ लेना वा वा नहीं नहीं कामों को निकालने से बचना और हर जला... बिदात जलाल है और हर जलालत इंसान को कहां ले जाने वाली है जहनम में ले जाने वाली हमारे नबी ससलम जो भी खुतबा देते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई खुतबा भी ऐसा नहीं है जिसमें आपने अपनी उम्मत को ना किया हो बिदआत से बचने के लिए आप जो भी खुतबा पढ़ते हैं क्या सुनते हैं अम्मा बात फइन खैर हदीस, किताबुल्लाह व खैर अलहदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर अलउमूर महदफاتها व कुल्ला मुहदसतिन बिदआ व कुल्ला बिदअतिन दलाला व कुल्ला दलालातिन फिन्नार हर खुतबे में यह बात कही जाती है कि दीन में जो नए काम निकाले जाएं वो बिदात है बिदात गुमराही है गुमराही इंसान को कहाँ ले जाने वाली है जहन्नम में ले जाने वाली है इसलिए बिदात से इजतनाफ़ करें हज़रत आयशा से देखा रजी अल्लाह कहती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहद फी अमरिना हादा मा लैसा मिनहु फहुवा फरत जिसने हमारे दीन में कोई ऐसा काम ईजाद किया जो दीन का हिस्सा नहीं है फहवा रद्द तो वो रद्द है उसको कबूल नहीं किया जाएगा उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा मालूम यह हुआ कि दीन में बिदातों की गुंजाइश नहीं है आज बहुत सारे मुसलमान बिदातों में पड़ गए हैं दीन के नाम पर तकरब इलाही के नाम पर सूफियत के नाम पर और पता नहीं किस किस नाम पर लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म की बिदातें ईजाद कर दी हैं ऐसे बिदातियों को मालूम होना चाहिए कि क़यामत के दिन वह हौज़ कौसर का जाम नहीं पी पाएंगे प्यारे नबी अलैहि वसल्लम फरमाते हैं महशर के मैदान में मेरे उम्मती आएंगे और मैं अपने उम्मतियों को कौसर का जाम पिलाऊंगा मेरी मदद के लिए मेरे दोनों साथी अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक भी होंगे हमारे सारे उम्मती आएंगे हम सबको उनको कौसर का जाम पिलाएंगे सहाबा ने पूछा, के रसूल, आप कैसे पहचानेंगे कि आपके उम्मती हैं प्यारे नबी ने फरमायाल वजू हमारी उम्मत के आजाये वजू चमक रहे होंगे जो हम वजू करते हैं चेहरे चमकते होंगे हाथ चमकते होंगे पैर

फरिश्ते उनको ढकेल कर पीछे कर रहे हैं मैं फरिश्तों से कहूंगा आने दो तो ये तो मेरे उम्मती हैं इनके आजाए वजू चमक रहे हैं फरिश्ते कहेंगे अल्लाह के रसूल आपको मालूम नहीं है दुनिया से चले आने के बाद इन लोगों ने आपके दीन को बदल दिया था नई नई चीजें दाखिल कर दी थी प्यारे नबी कहेंगे सुहुकन सुहुकन लेमन गैर ऐसे लोगों को दूर भगा दो जिन्होंने हमारे दीन को बदल दिया था जिन्होंने दीन में नई नई बातें डाल दी थी बिदाती कौसर का जाम नहीं पी सकेंगे मेरे भाइयों सब को तोबा की तोफीक हो जाती है चोर को तोबा की तोफीक हो जाती है जानी को तोबा की तोफीक हो जाती है कातिल को, को तोबा की तोफीक होती है बिदाती को तोबा की तोफीक नहीं होती है आप सोचिए कितना संगीन मामला है बिदाती कभी तोबा नहीं करता है क्यों इसलिए कि वो बिदात को नेकी समझता है और जब नेकी समझेगा तो तोबा क्यों करेगा आज दीन को लोगों ने बदल दिया है सुन्नतों के नाम पर बिदातों का है। और अकबर अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए बिदती को तोबा की तोफीक नहीं होती है इसलिए अपने आप को बिदातों से बचाओ ई या को प्यारे नबी ने फरमाया दीन में नए नए कामों के ईजाद करने से बचो क्यों इसलिए कि दीन में जो नया काम डाला जाए वो बिदात है बिदात गुमराही है गुमराही इंसान को जहन्नम में ले जाने वाला है बिदातों के चंद मज़ाहिर जो हमारे दरमियान हैं जिसको लोग नेकी समझते हैं अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अजान सुनो तो अजान के जवाब दो जिसने अजान का जवाब दिया अजान के बाद क्या करना है दरुद पढ़ना है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद क़मा सल तला इब्राहिम व अला इब्राहिम वालब्राहीम वा इनकहमीद मजीद उसके बाद दुआ पढ़नी है अल्ला दावती तरीक़ा यही है पहले अजान फिर दरूद फिर दुआ लेकिन आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं अजान से पहले दरूद पढ़ते हैं विरात है, है। दरुद पढ़ना गुनाह नहीं है जहां पढ़ना चाहिए वहां पढ़ना है बहुत सारे लोग कहते हैं अहले हदीस दरुद पढ़ने से भी मना करते हैं बिल्ला मिन जालिक हम दरूद पढ़ने से मना करेंगे एक बार कोई आदमी दरूद पढ़ता है तो उसको दस नेकी मिलती है उसके दस गुनाह माफ होते हैं उसका दस दर्जा बुलंद होता है हम ये बताते हैं कि दरूद पढ़ना कहाँ है जहाँ हमारे नबी ने पढ़ा है वहीं पढ़ना है आगे नहीं पढ़ना है बहुत सारे लोग क्या करते हैं आगे बढ़ जाते हैं अजान के बाद दरूद पढ़ना सुन्नत है अजान से पहले दरूद पढ़ना बिदात है ये ये बिदात हमारे दरमियान राइज है इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में कितने साल तक रहे साठ पर तीन साल तिरसठ साल कभी आपने अपनी पैदाइश पर खुशी मनाई कभी नहीं आपके बाद आपके सहाबा अबू बकर उमर फ़ारूक़ उस्मान गनी अली मुर्तदी इमाम हुसैन, इमाम हसन हुसैन जिनको लोग बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं उन उन्होंने कभी मनाया किसी भी सहाबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जश्न मनाया अरे ये तो ईसाइयों का तरीक़ा है ईसाई क्रिश्चियन अपने नबी का पैदाइशी दिन मनाते हैं ये मुसलमानों का तरीक़ा नहीं है लेकिन ये बिदातें धीरे धीरे मुसलमानों में आ गईं और लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जश्न मिलाना शुरू कर दिया जश्न मिलादुलनबी के नाम पर इसी तरीके से बहुत सारी बिदातें हैं जिसमें से एक बिदात यह है कि बाज़ लोग नमाज के बाद रोज़े रोज़े की तरफ अल्लाह के नबीसलम के कब्र की तरफ खड़े हो जाते हैं नबी के ऊपर दरुद पढ़ना सुन्नत नबी को सलाम भेजना सुन्नत दरूद सवाब मिलता है दरुदो सलाम पढ़ने से गुनाह माफ होते हैं सलाम पढ़ने से दर्जा बुलंद होता है यह अकीदा है हमारा लेकिन तरीक़ा ग़लत ना अपनाया जाए जो तरीक़ा है उसी तरीक़े से किया जाए हमारी नमाज उस वक्त मुकम्मल नहीं होती है जब तक कि हम सलाम फेरने से पहले दरूद ना पढ़ लें लेकिन नमाज के बाद रोज़े की तरफ नबी के कबर की तरफ हाथ बांधकर कर खड़े होना और सलाम पढ़ना ये सहाबा का तरीका नहीं है मोहब्बतें दिल में होनी चाहिए लऊका नब्ब का साद्ला मुहब्बले में युब्ब मोती हो अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची होती तो नबी की पैरवी करते इसलिए कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसकी पैरवी करता है ये तरीक़ा लोगों ने अपनाया ये गलत है तो सलातो पढ़ना अपने तरीके पर जो सहाबा से साबित नहीं है ये गलत है इसके अलावा भी बहुत सारे तरीक़े बिदात व खुलाफा के हमारे दरमियान रइज हैं हमें उनसे बचने की ज़रूरत है तीसरी बात जिससे हमें बचना है नबी की मुखालिफत आज लोग दीन को दीन को लोगों ने एक खिलौना बना लिया है हम जो चाहते हैं करते हैं शादी ब्याह का मामला हो इबादत का मामला हो तिजारत का मामला हो तमाम मामलात में हम अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं नबी से आगे बढ़ना चाहते हैं जो लोग नबी की मुखालफत करते हैं वो सुन लें अल्लाह तबार को ने फरमाया वयशा रसूल अमिम बा तब लहुल हुदा, व तब रसबीन नही माँ तवल्ला व नस्ल ही जहन्नमा वतम सीरा जो नबी की मुखालफत करेगा हक वाज होने के बावजूद और मोमिनों के तरीके से हट कर कोई नया तरीक़ा निकालेगा हम उसको उधर ही जाने देंगे जिधर जा रहा है वो नस्ल ही जहन्नमसात मसीरा और हम उसको जहन्नम में डाल देंगे और जहन्नम बहुत बुरी जगह है नबी की मुखालिफत से इंसान जन्नत से महरूम हो जाता है नबी की मुखालिफत से इंसान जहन्नम में पहुंच जाता है आज कितने लोग हैं जो नबी सल्ला वसलम की मुखालफत करते हैं अल्लाह के नबी सल्हुस के सामने एक नौजवान था बाएं हाथ से खाना खा रहा सही मुस्लिम की हदीस है वो बाएं हाथ से उल्टे हाथ से खाना खा रहा था हमारे नबी ने फरमाया कुल बेमीन एक दाहिने हाथ से खाओ उसने कहा नहीं मैं दाहिने हाथ से नहीं खा सकता हूँ ला अस्त यो मैं बाएं दाहिने हाथ से खाने की ताकत नहीं रखता हूँ हमारे नबी ने फरमाया तू रखेगा भी नहीं तू तो रखेगा भी नहीं उसने नबी की मुखालफत में ये बात कही दाहिने हाथ से वो खा सकता था लेकिन फिर भी उसने नबी की बात नहीं मानी बाएं हाथ से खाया अल्लाह के नबी सासर ने फरमाया कि तू दाहिने हाथ से नहीं खा सकेगा साहब कराम कहते हैं वो नौजवान जिंदगी भर अपना दाहिना हाथ अपने मुंह तक नहीं ले जा सका आज कितने लोग हैं जो सुन्नतों की मुखालफत करते हैं बाएं हाथ से खाना खाना सुन्नत की मुखालफत है नबी की मुखालिफत है अल्लाह को वाली ने कुरान मजीद में फरमाया कि जो लोग नबी की मुखालफत करते हैं उनको डरना चाहिए कि कहीं उनके ऊपर अल्लाह का अजाब ना आ जाए वो किसी बड़ी मुसीबत में और फितरे में ना मुब्तला हो जाए नबी की मुखालफत को हमने मामूली समझ लिया कितने है, है कितने लोग हैं जो रफोलद्देन की सुन्नत से महरूम हैं कितने लोग हैं जो आमीन की सुन्नत से महरूम हैं कि, कितने लोग हैं जो तशहद में उंगली उठाने की सुन्नत से महरूम हैं हम नबी की मुखत कर रहे हैं हम ये समझते हैं हम किसी मसल की मुखालफत कर रहे हैं नबी की मुखालफत करने वाला जन्नत से महरूम हो सकता है अगर लाइल में यह काम कोई करता था तो आज से अपनी इसलाह कर ले और अगर जान बूझ कर करता था तो तोबा कर ले नबी की सुन्नतों को अपनाने की कोशिश करे इसलिए कि हमने नबी का कलमा पढ़ा है कयामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती की हैसियत से हम जन्नत में जाना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि नबी की सुन्नतों पर अमल करें अल्लाह तबारक ने फरमाया मा आता कुमर रसूल नहाकुम महा कुमान रसूल जो तुमको दें उसको तुम ले लो व मा नहाकुम अनहु और रसूल जिससे तुमको मना करें उससे तुम रुक जाओ हम कहा जा रहे हैं हम किसकी किसकी बातों पर अमल कर रहे हैं मेरे भाइयों नबी की मुखालफत इंसान को जन्नत से महरूम कर सकती है आज मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबक़ा है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की मुखालफत कर रहा है जबकि अल्लाह तबार को ने फरमाया मई रसूल फ़कद जिसने रसूल की पैरवी की उसने किसकी पैरवी की अल्लाह की पैरवी की वमन तवल्ला और जिसने रसूल की नाफरमानी की फमा अर सल हिम हफीदा हमने आपको उनके ऊपर दरबान बनाकर नहीं भेजा जो आपकी बात मानते हैं ठीक है जो नहीं मानते हैं उनका अंजाम कयामत के दिन देखा जाएगा मेरे भाइयों प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अतानी फकर जिसने मेरी पैरवी की मेरी बात मानी मेरी नहीं अल्लाह की मानी अल्लाह अकबर नबी के पीछे चलने से जन्नत मिलती है नबी के पीछे चलने से कामयाबी होती है नबी के पीछे चलने से हम हकीकी मुसलमान होते हैं नबी की मुखालफत करने से इंसान जन्नत से महरूम हो जाता है ईमान से महरूम हो जाता है नबी वसल्लम की सुन्नतों की मुखालफत करने की वजह से वो जहन्नमी हो सकता है क्योंकि अल्लाह तबार व तआला ने फरमाया हम उसको उधर ही जाने देंगे जिधर वो जा रहा है वह नस्ल ही जहन्नम और हम उसको जहन्नम में डाल देंगे क बात वाजह होने के बाद कबूल करना जरूरी है आज हालत क्या है हम नबी की हदीस बताते हैं हम नबी की सुन्नत बताते हैं लोग क्या करते हैं नहीं नहीं हमारे इमाम साहब ने क्या कहा है इमाम का रुतबा नबी से बड़ा है और उसके बाद कहते हैं इमामों की गुस्ताखी करते हैं अल्लाह की कसम हम किसी इमाम की गुस्ताखी नहीं करते हैं लेकिन जब तुम नबी की गुस्ताखी करते हो हमारे ईमानी जोश हमें खामोश नहीं रहने देता है कि उम्मती कहते हुए नबी की मुखालिफत की जाए मेरे भाइयों नबी की बात को ठुकरा देते हो और कहते हो हम इमामों की ताज़ीम करते हैं ये कैसी ये कैसी बेवफाई है ये कैसी सोच है नबी की मुखालिफत करने वाला इमाम का हो सकता है वो किसी का नहीं हो सकता है वो अपने मसलक को बचाने के लिए ऐसा कर रहा है नबी की मुखत करने वाला किसी का नहीं हो सकता है मेरे भाइयों अगर कामयाबी चाहते हैं तो नबी की पैरवी करें नबी की पैरवी से दुनिया और आखरत में कामयाबी मिलती है जो नबी की मुखालफत करता है ना दुनिया में कामयाब होगा ना आखरत में कामयाब होगा मेरे भाइयों आज बहुत सारे लोग हैं नबी की सुन्नतें बताई जाती हैं नबी की हदीसें बताई जाए लेकिन मसल की आनक मसल की हतबंदियां तोड़ दो तो इन मसकी हदबंदियों को अल्लाह की कसम कबर में आपको अकेले जवाब देना होगा कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा जब अल्लाह तबारक वाली फरिश्तों को भेजेगा और फरिश्ते तीन सवाल करेंगे रब के बारे में नबी के बारे में दीन के बारे में नबी के बारे में जब सवाल किया जाएगा कौन सा मुंह लेकर के जवाब दोगे अगर चाहते हो कि जिंदगी कामयाब गुजरे नबी की तात में आ जाओ नबी की ग़ुलामी से इंसान को हकीकी आज़ादी मिलती है छोड़ दो ग़ुलामी के बंधनों को तोड़ दो मेरे भाई दो मसल की हदबंदियों को तोड़ दो आ जाओ दीन की तरफ आ जाओ किताब सुन्नत रसूल की तरफ यही किताब सुन्नत रसूल है जो दुनिया में हमको इज्जत दे सकता है और आखिरत में भी दे सकता है है तो उमर बिलखताब रजी अल्लाह तला कहा करते थे ला लना इल्ला बिल इस्लाम हमको सिर्फ इस्लाम से इज्जत मिल सकती है और इस्लाम क्या है अल्लाह की किताब और नबी का फरमान इंसानों की बात आम लोगों की बात करते हैं अल्लाह ताला ने अंबिया से यह अहदोपैमान लिया है कि किसी नबी की मौजूदगी में अगर नबी मोहम्मद वसल्लम आ जाए तो अपनी नबूत से दस्तबरदार होकर के वो नबी की अतहात को कबूल करे नबियों को भी हमारे नबी की अतहात करनी है आपने फरमाया लकुम मूसा अगर मूसा सलातम दोबारा दुनिया में आ जाए तबा तुम हूं और तुम मूसा के पीछे चलने चल, चलने लगो वह तरक तुम्हू नहीं और मुझे छोड़ दो सवाई सबीर तो सीधे रास्ते से भटक जाओगे अल्लाह कौन है मूसा उलम पैगम्बरों में से हैं मूसा क़लीमुल्ला हैं जिन्होंने कोहे तूर पर अल्लाह से गुफ्तगु की थी मूसा वो हैं जिन्होंने रब को देखने की ख्वाहिश जाहिर की थी मूसा कलीमुल्लह हैं प्यारे नबी ने फरमाया मूसा दोबारा दुनिया में आ जाए और तुम मूसा के पीछे चलने लगो मुझे छोड़ दो लजल तुम सवा इस सभी तो सीधे रास्ते से भटक जाओगे मालूम ये हुआ कि हमारे नबी के बाद किसी नबी की नहीं चलती है इमामों की बात करते हो मेरे भाई तोबा कर लो तोबा कर लो तबा कर लो नबी की तरफ आ जाओ नबी की सुन्नतों से मोहब्बत करो नबी की बातों पर अमल करो नबी की बातों पर अमल करने से जन्नत मिलेगी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हकीकी मोहब्बत करने की तौफीक नायत फरमाए ये सिलसिला इन जारी रहेगा कि हमें किन बातों से बचना है आज की जुमा के खुतबे में मैंने तीन बातें बताई इन तीनों बातों से हमें अपने आप को बचाना ज़रूरी है नंबर एक शिर्क ये सबसे बड़ा गुनाह है नंबर दो बिदात नंबर तीन नबी की मुखालफत ये तीन काम आज मैंने खुतबे में बयान किया है अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमें इन कामों से बचने की तौफीक इनायत फ़रमाए इजतनाब करने की तौफीक इनायत फ़रमाए अल्लाह हम सबको सच्चा पक्का मुसलमान बनाए नबी की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए बिदात व खुराफात से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए अल्लाह जब तक दुनिया में रखे इस्लाम पर कायम रखे खातमा हो तो ईमान बिल खैर पर हो रबना तो कब्बल इन्नका इन समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका न तवाबुर रहीम ब يا أرحم الراحمين آمين الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ذلالة وكل ذلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يَسْتَجِبُ لكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة